दो मांगे हैं, एमएसपी ठीक है पे जो भारत सरकार का रेट है उस पर खरीद हो जाए, जो किसान है वे रिहा हो जाए, दो चीजें। जाम किसानों ने नहीं लगा रखा है, जाम पुलिस प्रशासन ने लगा रखे। जिस तरीके से अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम बाहर भी जो व्यवस्था की जा रही है लंगर वगैरह की, और पूरा नेशनल हाईवे अभी इस टाइम पे नेशनल 44 जाम किया हुआ है, आपको लग रहा है कि आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है अगर 48 घंटे से ज्यादा का समय लगे? क्या होता है, वे आ जाएं तो उसके बाद ही हम बताएंगे। कुरुक्षेत्र के पास दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे को पूरी तरह से इस वक्त जाम कर दिया गया है, और बड़ी संख्या में किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान हैं जो बात करेंगे और जो बताएंगे कि आखिर ये एमएसपी की मांग को लेकर कल जो विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद नेशनल हाईवे 44 पर आकर किसान बड़ी संख्या में उन्होंने आके यहाँ पे जमावड़ा लगा लिया और पूरा हाईवे जाम कर दिया, उसके पीछे क्या कारण रहे और यहाँ से उनकी अब मांग क्या है और आंदोलन अब कौन से आगे किस तरीके की का रुख करेगा, क्या शक्ल लेगा? क्या नाम है आपका? मेरा दलजीत सिंह। दलजीत जी, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश। अच्छा, एसकेएम का मेंबर। दलजीत जी, कल जब महापंचायत हुई उसके बाद जितने भी किसान थे वो फिर यहाँ हाईवे पे आ गए, नेशनल 44 पे आके पूरा जो हाईवे है वो जाम कर दिया, उसके बाद प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन आपको मिला जो एमएसपी की मांग को लेकर आप लोगों की डिमांड है, अभी तक कोई ऐसा आश्वस्त किया गया है आपको कि कोई फैसला ऐसा लिया जाएगा जिससे किसान आश्वस्त हो? देखिए, पहले तो मैं आपकी पर्सन को ठीक करना चाहूँगा, जाम किसानों ने नहीं लगा रखा है, जाम पुलिस प्रशासन ने लगा रखा है। आप इधर जाके देखिए, उधर बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन ने कर रखी है, पीछे जाके देखेंगे पुलिस प्रशासन ने कर रखी है। हमें तो अपना धरना देना था, अब यहाँ पर हमारी सरकार अगर यहाँ आ जाती है तो हम 5 मिनट के अंदर चले जाएंगे। हम यहाँ पर जाम लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बातचीत करने के लिए आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमें तो कहीं बैठना है ना। अब इतने आदमी आए हुए हैं तो कहीं तो बैठेंगे, तो उनके बैठने की जो व्यवस्था हुई तो हम सड़क पे बैठ गए। तो जाम हम लोगों ने नहीं लगा रखा, दोनों तरफ से आप देखोगे तो पुलिस प्रशासन ने पीछे से भी रूट डाइवर्ट कर रखा है बैरिकेडिंग करके, किसानों को केवल बदनाम किया जा रहा है। आगे और पीछे आप कह रहे हैं, जिस तरफ चंडीगढ़ की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे भी बैरिकेडिंग है, इधर दिल्ली की तरफ आप जाते हैं वहाँ पे भी बैरिकेडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बैरिकेडिंग कितनी लंबी, और ये पूरा दायरा 144 के दायरे में है अभी? बिल्कुल बिल्कुल जी, वहाँ पे वो उन्होंने जो है ना पुलिस प्रशासन ने रोक रखा है। यहाँ पे किसान जो है अपनी बात रखने के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने किसी एक गाड़ी को भी, आप बता दीजिए कल से आप यहीं पर हैं, किसी एक गाड़ी को भी उन्होंने रोका हो तो बताइए आप। अगर जाम लगाया होता तो ये जीटी रोड है और जीटी रोड के ऊपर 20-20, 30-30 किलोमीटर की अभी तक लाइनें लग जाती। सूरजमुखी सनफ्लावर की के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, सरकार वो दे, ये पूरा मसला, ये पूरी इस पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया 6400 रुपए। ठीक है, किस लिए किया था? कि उन्होंने कहा था कि आप धान की जो है खेती कम करिए और इसको बदल बदल के कीजिए, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम आपको एमएसपी देंगे। किसानों ने सरकार की बात में आके सूरजमुखी की खेती करी, खेती करने के बाद किसान जब अपनी फसल को लेके मंडी में आया तो उसने वहां पे अपने आप को ठगा हुआ। आपको रोकना चाहूंगा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सूरज मुखी के लिए रखा गया है सनफ्लावर के लिए, उसका मेन कारण ये है कि भारत की निर्भरता जो आयात पर है तेलों को लेकर, खास तौर पर पाम ऑयल के जैसे तेल बहुत ज़्यादा आयात किए जाते हैं भारत में, तो सरकार ने एक पहल की थी जिसके तहत देश में देश को निर्भर बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए जब बात आती है तेलों के मामले में। तो क्या यही एक वजह थी जो किसानों को कहा गया कि बड़े पैमाने पर आप लोग सूरजमुखी की खेती करिए? बिल्कुल, सरकार ने जो अपना तेल था सूरजमुखी का उसको बढ़ाने के लिए हमें ये कहा कि आप लोग सूरजमुखी की खेती कीजिए, आपको उचित मूल्य दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम किसान अपने खेत से फसल लेके गए तो वहाँ हमें इसका मूल्य 4000 रुपए भी नहीं मिल रहा है, तो 2400 रुपए का। 4000 रुपए आपको प्राइवेट दे रहा है या फिर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी खरीदो, चाहे सरकार खरीदो या प्राइवेट परचेजर खरीदो। अब सरकार बिल्कुल खरीद नहीं कर रही है इसकी, क्योंकि अच्छा। सरकार ने पाम ऑयल जो है आयात कर लिया है और आयात करने की वजह से उनके पास तेल की बहुत आयात हो चुकी है और किसानों के
इसको प्राइवेट जो परचेजर है वो खरीदने के लिए 4000 से ऊपर का कोई भाव नहीं तो लगा रहा। आपका कहना है कि पहले सरकार ने आपसे कहा कि इसे उगाओ और उसके बाद सरकार ने आपको जो वादा किया था जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वो अब आपको नहीं दे रही सरकार। बिल्कुल 6400 रुपए का भाव है और 4000 का भाव हमें मिल नहीं रहा है आज की तारीख में। अच्छा जी, तो अभी सरकार का ये कहना है कि जितने भी 8500 किसान हैं उनके हिसाब से कुछ एक अमाउंट जो है सरकार ने तय किया है जो कि दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। आपके हिसाब से कितना, 6400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हम किसान हैं, हम इस गणितबाजी के अंदर नहीं आना चाहते। हम ये कह रहे हैं जो व्यापारी खरीद रहा है, ठीक है, आप उसको ये भावांतर उसको दे दो, लेकिन हमें 6400 रुपए जिस दिन हम अपनी फसल बेचते हैं वो पैसे हमें हमारे दे दो, उसके बाद हम इस भावांतर की योजना में नहीं आना चाहते। सरकार अगर ये करना चाहती है तो प्राइवेट परचेजर को दे दो, किसान को नगद रुपया उसी दिन दे दो। अच्छा, अब सवाल दूसरा ये है कि जो कुछ दिन पहले जब ये आंदोलन अभी हुआ था उसके बाद लाठीचार्ज जब हुआ था, कुछ किसान नेता किसान उनको डिटेन किया गया, ये चडूनी साहब भी उसमें थे, उसको भी लेकर उनकी रिहाई के लिए उनके डिटेंशन को खत्म करने की भी मांग है किसानों की अभी? देखिए, आपका ये सवाल गलत है, डिटेंशन नहीं है ये। डिटेन किया जाता है 23 घंटे तक, 24वां घंटा जब लग जाता है तो उसको गिरफ्तारी बोला जाता है। और गिरफ्तारी भी किन धाराओं के तहत किया गया है? 307 का मुकदमा बनाया गया है। 307 के मुकदमे में जान से मारने की कोशिश की जाती है। क्या वो अपराधी थे किसान? उन किसानों के हाथों में क्या हथियार थे वहां पे? आप कभी भी नोट कीजिएगा, कोई भी एनकाउंटर होता है ना, किसी उग्रवादी का भी अगर एनकाउंटर किया जाता है तो जब तक फायरिंग होती है तब तक ही गोली चलती है। अगर उसको एक बार पकड़ लिया जाता है तो उसको थप्पड़ भी नहीं मारा जाता है। और यहाँ किसानों के साथ क्या हुआ है, चार चार पुलिस वालों ने पकड़ के और उनको इतना पीटा गया है, कई किसानों की तो पीठ पूरी की पूरी काली हो रखी है, मतलब उनके खाल तक वहां से उतार दी गई है। इस तरीके का बर्बरता का व्यवहार कभी पुलिस करती थी अंग्रेजों के राज में, लेकिन अगर आजाद भारत की पुलिस भी इस प्रकार का कृत्य करती है तो ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। अब 2020 में भी किसान आंदोलन हुआ था और उस वक्त देश भर के किसान जो थे वो सोनीपत हाईवे पर जमा हो गए थे, उधर गाजीपुर बॉर्डर में भी जमा हो गए थे। अभी आपको राकेश टिकैत जैसे नेताओं का, बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। लग रहा है कि 2020 वाले किसान आंदोलन की शक्ल ले लेगा ये किसान आंदोलन? देखिए, उस समय भी जब हम 2021 के अंदर आए थे तो हम 13 महीने बैठने नहीं आए थे, हम केवल अपनी बात रखने आए थे और अपना ये बताने आए थे कि ये कानून किसानों के लिए ठीक नहीं है, इनको वापस ले लीजिए। तो आंदोलन किसने शुरुआत करवाई? सरकार ने। हम तो अपनी बात पहले दिन सुन लेते, उस दिन भी वही कह रहे थे, 13 महीने लगे हम वही कह रहे थे। तो आज भी ये आंदोलन हमने शुरू नहीं किया है, ये सरकार की लाठी ने शुरू करवाया है, सरकार की गलत नीतियों ने शुरू करवाया है। और अब ये सरकार के ऊपर है कि कोई भी किसान, यहाँ आप किसी से भी बात करके देखना, सब ये चाहते हैं कि वो अपने खेतों में जाएं, अपने काम करें, अपने पशुओं को संभालें, अपने रोजगार को चलाएं। लेकिन अगर ये सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो मजबूरन अपनी बातों को और अपने हकों को मांगने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम एक साथ इकट्ठा हो गए तो ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। राकेश टिकैत जी भी है हमारे साथ। राकेश टिकैत जी, आपसे जरा बस इतना जानना चाहेंगे कि अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस पूरे आंदोलन को, और अब ये शक्ल जैसा 2020 में आंदोलन शुरू हुआ था कुछ वैसी शक्ल ले रहा है? अभी अभी नहीं, उस तरह की है, अभी तो उनकी बातचीत चल रही है और बातचीत हो जाए, जो लोकल कमेटी जा रही है वो बात एक बार कर ले। कल रात को भी 10 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था, फिर सुबह 10 बजे का अभी अभी भी उनकी सुबह से बात चल रही है, प्रशासन क्या चाह रहा, उनको अंदर बैठा के बात कर रहा नहीं कर रहा क्या है, वे अब आ जाएंगे जब ही कुछ पता चल पाएगा। आपको कोई प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि किसानों? नहीं, बात जो है ना लोकल कमेटी प्रशासन से कर रही है, वो अभी आई नहीं, जैसे ही वो आएगी तो हम जब बताएंगे सारी चीजें। तो अभी लगता है कि शाम तक कुछ फाइनल वर्डिक्ट उधर तो होना है उसी पे कि कुछ न कुछ फाइनल हो इसका, लेकिन जैसे ही वे आएंगे तो वे बताएंगे कि क्या बात हुई। अगर अगर सरकार की तरफ से वैसा आश्वासन नहीं मिलता जैसा किसान उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आगे का रुख क्या होगा? आगे का जब ही बताएंगे, उन कमेटी को आ जाने दो, जब वे आ जाएंगे जब बताएंगे। अच्छा, और कितने बजे तक आने की उम्मीद है उनकी? भाई इंतजार तो कर रहे हैं सभी लोग, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं।
जिस तरीके से अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम बाहर भी जो व्यवस्था की जा रही है लंगर वगैरह की, और पूरा नेशनल हाईवे अभी इस टाइम पे नेशनल 44 जाम किया हुआ है, आपको लग रहा है कि आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है अगर 48 घंटे से ज्यादा का समय लगे? क्या होता है, वे आ जाएं तो उसके बाद ही हम बताएंगे। मुख्य तौर पर दो मांगे हैं अभी किसानों की, तो दो मांगे हैं, MSP ठीक है पे जो भारत सरकार का रेट है उस पर खरीद हो जाए, जो किसान है में रिहा हो जाए, दो चीजें। तो जब तक चरूनी साहब को रिहा नहीं किया जाता और MSP की बात नहीं, ये इशू है हमारे, और प्रशासन उनको बताया कि इसमें उनका क्या रुख है, और जो कमेटी है उनकी क्या बातचीत हुई, जैसे ही कमेटी आएगी वो अपनी बात बताएगी, उसके आधार पर आगे कोई निर्णय हम लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।